hesitation, struggle, fight, negative comments, haters, demotivation, frustration, late night, early morning, soch, sapne, himmat, taakat, hard work, dedication, determination, motivation, consistency, discipline, patience. इन सारी चीजों के बाद होती है शुरुआत, और ये मेरी शुरुआत है। जैसा कि आप सबको पता ही है कि कश्मीर के हालात जो है हमेशा से कैसे रहे हैं, और यहाँ पे जो है आप देखेंगे सबसे ज़्यादा तादाद जो है आपको डिप्रेशन पेशेंट्स की मिलेगी। और उसके साथ साथ जब आप हमारी कैटेगरी की तरफ आते हैं जो फिज़िकली चैलेंज्ड कैटेगरी है, चाहे उसमें औरतों हो, चाहे लो विजन हो, चाहे उसमें किसी भी किस्म की डिसेबिलिटी। आई होप आप सब ठीक हो गए, वो तो मज़े में हो गए। तो गाइस, आज हम किसी जगह को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, तो आज हम एक मोटिवेशन वीडियो जो बनाने जा रहे हैं, जो कि हमारी यूथ है गलत कामों में पड़ी है और यहाँ पे सुसाइड केस डे बाई डे इंक्रीज हो रहे हैं, उसके लिए मैसेज है कि ये जो यूथ्स है ये कैसे अपने आप को सोसाइटी में प्रेजेंट कर रहे, और जो इनका जो मैच है इस वक्त, मैच तो आपने बहुत सारे देखे होंगे मगर ऐसा मैच आपने कभी नहीं देखा होगा कश्मीर में, फर्स्ट टाइम जो कि इन्होंने प्रेजेंट किया है। तो गाइज हमें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और ये एक स्पेशल मैसेज है हर किसी के लिए कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो गाइज, जो मैं आपको मैच दिखाऊंगा तो वो व्हीलचेयर्स पे खेला जा रहा है बडगाम में, और श्रीनगर और बडगाम के बीच में ये मैच, सब डिसेबल पर्सन हैं कि फिजिकल चैलेंज्ड होते हैं, क्योंकि इनको सोसाइटी में बहुत चीज़ों का जो चैलेंज करना पड़ता है, वो इस वक्त मैदान में आए हैं। पूरा पुश करो, बॉडी को खोलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 What? तो गाइज, देखिए कैसे ये मैच खेलते हैं अपना, और कैसे हर किसी चैलेंज का सामना करते हैं। देखिए रनिंग कैसे हो रही है यहाँ पे, तो गाइज देखिए इनका जो मोटिवेशन है वो सबसे बढ़िया है।
तो गाइस ये जो न्यू जनरेशन है हमारी, वो इनके लिए ये मैसेज है कि खुद को आगे लाइए हर किसी फील्ड में, जिसका भी जो पैशन है, चाहे फुटबॉल है, चाहे क्रिकेट है, चाहे वॉलीबॉल है, जो भी किसी खेल में खेलना चाहते हैं वो आगे आइए। तो गाइस यहाँ पे बड़गाम के बॉलिंग करते हुए और श्रीनगर की जो टीम है वो बैटिंग करते हुए फिलहाल एक रन हुई है यहाँ पे, स्कोर का अभी मुझे पता नहीं। इनका आर्म पावर देखिए कितना होता है, कोई मत समझे कि ये किससे कम नहीं है, ये हमसे भी ज़्यादा बेहतर है। फिलहाल बड़गाम का बॉलर बॉलिंग करने में तैयार और बॉल की श्रीनगर की ओर, ये शॉट खेला है और ये चार रन, देखिए ये भी चौका लगा सकते हैं, ये भी छक्के और चौके उड़ा सकते हैं। मगर जो इनको जो फैसिलिटी की बहुत ज़्यादा कमी है, कोई स्पॉन्सर अगर आए इनको स्पॉन्स करिए कि व्हीलचेयर या कुछ भी स्पेशल गेयर्स जो इनके हैं वो प्रोवाइड की करिए इनको, वो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। अगर कोई बंदा करना चाहेगा स्पॉन्सर या व्हीलचेयर डोनेट करना चाहेगा, कोई स्पेशल गेयर करना चाहेगा डोनेट, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका नंबर दूंगा जो उनका प्रेसिडेंट है, उनसे भी बात होगी लास्ट में। तो फिलहाल आप मैच का नज़ारा लीजिए। आप मत सोचिए ये कॉस्को या टेनिस बॉल है, ये भी यार लेदर बॉल को खेल रहे हैं, जैसे कि बड़े प्लेयर खेल रहे हैं। यहाँ के मंजे हुए प्लेयर जो समीला है या आबिद नबी है, ये भी उनकी तरह खेल रहे। और ये वड़काम के बॉलर ने एक विकेट लिया है, यहाँ पे विकेटों में लगी है बॉल और ये अंपायर का डिसीजन है आउट। भाई है जो जो खेलने आया है, मैं इससे पूछूंगा कि इसकी एक्सपीरियंस क्या रही आज के मैच में, तो क्या एक्सपीरियंस रही आपको इस मैच में? हाँ, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। क्या मैसेज है आपके लिए? मैसेज ये है कि घर में मत बैठा करो। हाँ, और क्योंकि आज घर में बैठे बैठे डिप्रेशन में आ जाते हैं लोग। फिर और रूम में बैठा था जब एक टिकट ऑर्गेनाइज हुआ यहाँ पे, तो मैं भी यहाँ आया खेलने के लिए। ठीक, मैं भी फील अच्छा कर रहा हूँ। ठीक, लोगों से मिला, मुझे लग रहा था कि नहीं हूँ कश्मीर में कि जो डिसेबल है वीचर पर बैठा है। ठीक, जब मैं यहाँ आया तो मुझे लगा कि नहीं, बहुत सारे ऐसे जो मुझे लगा कि नहीं, हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो आपके पास स्पेशल गेयर्स नहीं है, आप क्या मैसेज है गवर्नमेंट के लिए? गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई कुछ नहीं मिलता है। हाँ, क्योंकि ना व्हील चेयर मिल रही है ना कुछ, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रही है हमें व्हील चेयर की, तो बहुत दूर से आना पड़ता है हमें, बारामूला से 15-20 किलोमीटर आ रहा है बड़गाम, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, कोई फैसिलिटी नहीं है। यही है कि हमें सपोर्ट किया जाए, हमें भी आगे लिया जाए, क्योंकि हम भी कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, यहाँ और दिखाना चाहते हैं कि हम भी हैं, हम कुछ कर सकते हैं। वो तो अच्छी बात है, चलो बेस्ट ऑफ लक।
तो गाइस यहाँ पे बड़गाम की टीम 3 विकेट खो चुकी है 6 रन पे ही। तो आगे देखते हैं बड़गाम की टीम कहाँ पे पहुँचेगी स्कोर करने में। तो तब तक आप वीडियो पे बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो हर कोई बंदा देखे और कोई स्पॉन्सर आगे आए। तो यहाँ पे बड़गाम की टीम जो है 9 विकेट खो चुकी है 70 रन्स पे और श्रीनगर स्ट्राइकर्स जीत की कगार पे और लास्ट विकेट है यहाँ पे आज। तो देखते हैं लास्ट विकेट कहाँ तक अपना स्कोर पहुँचा सकता है। तो यहाँ पे बॉल की और बैट्समैन को और ये है बोल्ड होने का खतरा, अंपायर को कॉल भी की और ये आउट हो रही है। श्रीनगर ने जीता यहाँ पे, श्रीनगर यहाँ पे जीत चुका है और इस भाई ने आधा शतक किया था और मैन ऑफ द मैच भी यही आएगा। और श्रीनगर वालों को कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू वेरी मच। आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने लास्ट कर लिया और आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। और श्रीनगर वालों ने यहाँ पे मैच जीत लिया है तो बहुत ही बड़ाई। यहाँ पे आज का वीडियो करते हैं क्लोज, जो कि आज आपने देखा कि बड़गाम और श्रीनगर के बीच में जो मैच था व्हीलचेयर मैच, जिसमें मेरा कज़न भी था। फिलहाल श्रीनगर वालों ने जीता ये बहुत से रनों से और बहुत से ओवर से भी जीता, 60 रन से। यहाँ पे मेरा कज़न है ये भाई, इसको आप जानते ही होंगे, मेरा कज़न है। बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो डिप्रेशन में थे, आज ये जो मैच हो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है कि ऐसा